तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप डेफिनेटली देखिए। अश्विनी वैष्णव जी ने खुद ये ट्वीट किया है। सो देखा आपने किस तरह से हमारे ट्रेन टॉयलेट का पूरी तरह से मेकओवर ही कर दिया है। और सोचिए अगर इसी तरह के टॉयलेट हमारी हर एक ट्रेन में आपको मिलने लग जाए तो फिर यूरोपियन ट्रेन क्या, भारतीय ट्रेन क्या, सब भी कांटे की टक्कर दे सकते हैं। वैसे काफी सारे लोगों ने इसकी तारीफ की, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस एक काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है, पता नहीं कितने दिनों तक साफ रहे। सो होपफुली फ्यूचर में उसकी कंडीशन सेम जैसी अब भी है वैसी ही हो तो काफी अच्छा होगा। फिर दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि हमारी हर एक ट्रेन में, हर एक कोच में इसी तरह के चमचमाते टॉयलेट्स होने चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये सब हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लोगों को भी यहाँ पर कुछ सिविक सेंस सिखाने चाहिए। बेसिकली जापान में आपने देखा होगा कि किस तरह से हर एक चीज का एकदम कायदे कड़े कानून के साथ पालन किया जाता है, तो क्या हम उस तरह की मेंटालिटी भारत में नहीं ला सकते हैं? खैर भारतीय रेलवे यहाँ पर काफी सारे इनिशिएटिव्स ले सकती है। सबसे पहले कुछ कैंप्स दौड़ाए जा सकते हैं सो दैट लोगों को अवेयर किया जाए क्लीनलीनेस के साथ, और उसके बाद यहाँ पर सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट्स का भी कंसेप्ट रेलवे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। काफी सारे एयरपोर्ट्स में ये अब बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट अमेरिका और यूरोप के काफी देशों में तो हर पब्लिक टॉयलेट में आप कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी पाओगे। तो रेलवे भी कुछ इसी तरह की न्यू टेक्नोलॉजी ला सकती है जहां पर ऑटोमेटिकली बाथरूम्स क्लीन हो जाए। सो इसके बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।